हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि आज के इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पहले प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए, कंप्लीट जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको अटेंड कीजिए, देन इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि रेगुलर अटेंड करेंगे तो आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा मेलाटोनिन। मतलब हम टोटल 5 टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। मतलब इसमें हमें स्टडी करना है सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंस। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन के बारे में, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मेलाटोनिन के बारे में। तो मेलाटोनिन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो बेसिकली पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। कि कहाँ पर? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसको बेसिकली स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। स्लीप हार्मोन क्यों बोला गया इसको? स्लीप हार्मोन इसलिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि ये नाइट के टाइम एक्टिव होता है और आपको स्लीप में हेल्प करता है। मतलब कि ये रिलीज होगा जब नाइट हो जाएगी, इवनिंग होगी, जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ेगी, अंधेरा बढ़ेगा, वैसे ही इसका रिलीज होना स्टार्ट होगा। जो डार्क साइकिल होता है वो बेसिकली इसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अब इसका रोल यही है कि ये स्लीपनेस में आपकी हेल्प करेगा और अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है नाइट के टाइम जो बॉडी में होते हैं उनमें मेलाटोनिन हेल्प करता है। तो बहुत ही अच्छा हार्मोन है। बात करते हैं इसके बारे में, सबसे पहले देख लेते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन। द हार्मोन मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन फ्रॉम सेरोटोनिन बाय द पीनियल ग्लैंड। अब ये सेरोटोनिन से बनता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, सेरोटोनिन से होकर ही बनता है ये। पिछले लेक्चर में हमने जो पाथवे देखा उसमें देखा ट्रिप्टोफैन से स्टार्ट होकर मेलाटोनिन तक जा रहा, तो मैंने बोला था कि इसको याद रखना, सेम पाथवे आगे मेलाटोनिन में आपको देखने को मिलेगा। तो वही है, अब वहाँ क्या हो रहा था, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बन रहा था, सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बन रहा था, और यहाँ पे वही सेम आएगा, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन, सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पीनियल ग्लैंड में बनेगा ब्रेन के अंदर। मेलाटोनिन इज मोस्टली सिंथेसाइज एट नाइट, नाइट के टाइम सिंथेसाइज होगा। इट्स सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय लाइट डार्क साइकिल। लाइट डार्क साइकिल का मतलब क्या है कि जब डार्कनेस बढ़ेगी, इवनिंग होगी, लाइट डिम होगी, तो उस कंडीशन में ये रिलीज होता है। मेलाटोनिन इनहिबिट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये दो हार्मोन हैं, इनके रिलीज को इनहिबिट करेगा कौन? मेलाटोनिन नाइट के टाइम करेगा, दिन में तो ये इनका इफेक्ट नहीं करेगा। इट इंड्यूस स्लीप, क्या काम है मेलाटोनिन का? इंड्यूस स्लीप, रेगुलेट सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम में यही आते हैं जो स्लीप से रिलेटेड और अदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं नाइट के दौरान, तो उन्हीं को इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और बॉडी एंड मे आल्सो बी इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी मेलाटोनिन का हेल्प होती है, मेलाटोनिन का यूज होता है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन। बात करें इसका पाथवे की, तो पाथवे में मैंने कल भी बताया था आपको, सेम पाथवे है। एल ट्रिप्टोफैन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन 5-हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में ये बनाएगा 5-HT 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन एरोमेटिक एमिनो एसिड डीकार्बोक्सीलेज की प्रेजेंस में सेरोटोनिन में कन्वर्ट होंगे, और सेरोटोनिन एराइल एल्कलाइमिन एन एसिटाइल ट्रांसफेज की प्रेजेंस में एन एसिटाइल सेरोटोनिन में कन्वर्ट होंगे, एंड एन एसिटाइल सेरोटोनिन एन एसिटिल सेरोटोनिन ओ मिथाइल ट्रांसफेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होंगे? मेलाटोनिन में। इसको हम बोलते हैं हमारा स्लीप हार्मोन, बेसिकली स्लीप को रेगुलेट करता है। बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस मैंने लगभग फंक्शंस आपको बता दिए हैं। इन्वॉल्व इन सर्काडियन रिदम और डाइवर्नल वेरिएशन इन द बॉडी। इट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्लीप एंड वर्कअप प्रोसेस। मतलब कि जब हम सोते हैं नाइट के टाइम तो ये रिलीज होगा और हमारी बॉडी एक्टिव होगी स्लीप के लिए, और जैसे ही जैसे सुबह होगी
तो इसमें क्या होगा कि ये रिलीज होना बंद होगा और हमें लेजीनेस आएगी, तो मॉर्निंग में इसीलिए देखने को मिलता है। और है इट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ MSH एंड ACTH, जो हार्मोन मैंने बताए हैं मिथाइल मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इनके रिलीज को इनहिबिट करेगा। मेलाटोनिन आल्सो परफॉर्म एन न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन का ये काम कर रहा है, क्योंकि जैसे अपना सेरोटोनिन काम करता है स्लीप वगैरह एंजाइटी वगैरह को इंड्यूस करवाता है, वैसे ही है भी स्लीप को इंड्यूस कराता है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क कर रहा है, तो इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।